बुधवार की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और क्लास प्रारंभ हो इसके पूर्व प्रार्थना करेंगे। चलते हैं प्रयागराज मिंटो रोड हेडक्वार्टर, वहां रीता पांडे और अंशु अग्रवाल जी मौजूद हैं प्रार्थना और ओमकार के लिए। धन्यवाद अनिल भैया। आज की क्लास शुरू करने से पहले सर्वप्रथम हम ज्ञान मुद्रा बनाएंगे और अपनी स्पाइन को सीधी रखते हुए 3 बार ओम शब्द का पारायण करेंगे और फिर संस्थान की प्रेयर को करेंगे। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे हम दीन दुखी के सेवक बने संता पिगरे जो है बिछुड़े भूले भटके उनको तारे खुद तरे जावे। वह शक्ति हमें दो दया कर्तव्य मार्ग पर डट जावे छल देश दम्भ पाखंड छोटे अन्याय से निस दिन दूर रहे जीवन हो शुद्ध सरल अपना सुचि प्रेम सुधार से बरसावे। वह शक्ति हमें दो दया कर्तव्य मार्ग पर डटे जावे निज आदि मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे जिस देव भूमि में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जी और रीता जी। अब हम आमंत्रित करते हैं एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज के अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी अग्रवाल सर को आज के लेक्चर के लिए। धन्यवाद रीता जी, अंशु जी, आपने जो परमात्मा की प्रार्थना सबके साथ की उसके लिए आपको प्रोफेसर धन्यवाद। प्रोफेसर अनिल सिंह जी, आपको होस्ट नहीं बल्कि इस वर्कशॉप के मार्गदर्शक हैं। एम आई ऑडिबल? यस सर, ऑडिबल सर। विजिबल ऑल्सो? जी। अब पीपीटी रन करना शुरू कर दीजिए।
आज इस साप्ताहिक वर्कशॉप में, जो कि इंटीग्रेटिव एक्यूप्रेशर के संबंध में, हम सब मिलकर इसमें चर्चा करेंगे आपके साथ बैठकर। मित्रों, मैं सबसे पहले इस वर्कशॉप में प्रवेश करने से पूर्व आपके पास सेडिशन अंडर बैलेंसिंग पॉइंट है, ये पेज नंबर 12 बल्कि 13 में, अभी मैं दिखाता हूं, लेकिन अभी मैं पूरे अंडर एक्टिव सिम्टम्स और बता दूं। अब आप देखिए, चाहे हाइपर एक्टिव हो चाहे अंडर एक्टिव, पेन इन स्पाइनल कॉलम, ये मेरिडियन जो है, अगर परिवार की मेरिडियन है, मैरिज की मेरिडियन है, तो मैं इसे पावर सप्लाई मेरिडियन भी कहता हूं। और पीछे के, क्योंकि हर ऑर्गन को बैक शू पॉइंट के माध्यम से, एंटीरियर के जितने भी ऑर्गन है, चाहे हार्ट है चाहे लंग्स है, जैसे UB-11 है, ये बैक शू पॉइंट है लंग्स का, और UB-14-15 हार्ट से कनेक्टेड, और 17-18 लीवर और गॉल ब्लैडर से, और किडनी स्टेम किडनी को पावर सप्लाई चाहिए, और वो है UB-23। स्टमक स्प्लीन के लिए 19, 20 और 21 है। तो मित्रों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये अत्यंत अद्भुत चीज है, अंडर एक्टिव सिम्टम्स में भी देखें, फिर वही स्पाइनल कॉलम, नर्व स्ट्रेन, जैसे आप थके थके कैसे रहे, आप में थकान कैसे है, एनर्जी के कैसे, एनर्जी का लॉस ऑफ दिखता है, स्ट्रेन कैसे दिखता है, कहते हैं भाई आज शरीर बोझिल महसूस हो रहा है, क्योंकि स्ट्रेन नर्व है। आप जानते हैं कि 33 वर्टिब्रा से 33 पेयर ऑफ नर्व पूरे के पूरे दोनों तरफ से जाते हैं और पूरे शरीर को, शरीर के ऑर्गन को कनेक्ट करते हैं, जिसके कारण अगर स्ट्रेन नर्व्स है तो थकान है, बॉडी में स्टिफनेस है, सेंसिटिविटी इन द होल बॉडी, कहते हैं पूरा शरीर दुख रहा है। गंगा स्नान करने गए, नहा के आए, फिर से ज्यादा पैदल चल लिए तो पैरों में दर्द, कमर में दर्द, सिर में दर्द। और ऐसे लोग, एक और बहुत बड़ा सिम्टम है, ये हर बात की शिकायत करने वाले, शिकायती टट्टू, ये भी उसका एक सिम्टम है। और बहुत जल्दी डरना, ये भी एक सिम्टम है। आपने किडनी वाले में देखा था, दोनों के सिम्टम्स ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, क्योंकि कनेक्टेड है, हस्बैंड वाइफ। और नाइट सेटिंग एंजाइटी, हैवीनेस, डिस्कम्फर्ट इन द आईज, जानते हैं कि फर्स्ट नंबर ही आईज से है, और इनर कैंसर से होने के नजदीक होने के कारण नेजल कंजेशन, और सिर में जाने के कारण माइग्रेन हेडेक्स, स्पेशली इन द बैक ऑफ द हेड, मेल फंक्शनिंग, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का बीमार होना, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अनेक प्रकार के तकलीफें, ये महत्वपूर्ण। तो पुअर सर्कुलेशन, क्योंकि आप जानते हैं कि नर्वस सिस्टम ही सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है ब्लड वेसल्स में, जो भौतिक रूप से है, नर्व है भौतिक रूप से है, अगर नर्व एक्टिवेट नहीं करते हैं तो कोई आर्टरी में ब्लड का फ्लो मेल फंक्शनिंग होने लगता है, पुअर सर्कुलेशन हो जाता है। और लोअर एब्डोमेन में, विशेष रूप से पैरों में, जैसे जिसके कारण सुन्नपन या दर्द होता है, कभी आप कहते हैं कि हम कैसे चलें, कभी कहते हैं कि दर्द इतना है, साइटिका पेन हो रहा है। और फिर देखिए, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बैक टेंड्स टू फील कोल्ड, फ्रीक्वेंट डिजायर टू बेंड द बैक, और अक्सर हम कोशिश करते हैं कि कमर झुकाएं, टाइटनेस इन द लेग्स, टेंशन बिलो द नेवल, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लैडर, मेल फंक्शनिंग ऊम, ऊम बने गर्भाशय, क्योंकि गर्भाशय से ही उत्पत्ति होती है संतान उत्पत्ति, और आपने किडनी एसेंस के पॉइंट्स को इनफर्टिलिटी के जाना है, और नहीं तो हमारे संस्थान के लिटरेचर, आदरणीय खेमका जी के लिटरेचर का अध्ययन करें, आपको ऐसे ऐसे प्रोटोकॉल्स मिलेंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते।
फीलिंग ऑफ द पेनफुल यूरिनेशन, अगर पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब पेनफुल है या पेशाब ऐसा लग रहा है कि रुक गया है और उसको धीरे धीरे ड्रिबलिंग होती है, तो ये भी आपको यूरिनरी ब्लैडर और इसके बाद। अब देखिए, मैं आपको एक कुछ कॉमन नॉमेनक्लेचर से परिचय कराता हूं। पेज नंबर 5 को देखें। जो सीवी मेरिडियन है, इसको हम क्रिएशन मेरिडियन के नाम से, मैं इसे इसको सबसे ज्यादा महत्व देता हूं। और बैक में जो बीचों बीच है, जिसे हम डीयू मेरिडियन या गवर्निंग वेसल मेरिडियन, जिसे कंट्रोल मेरिडियन, यानी हमारे ऑर्गन के जितने कनेक्टिविटी है स्पाइनल कॉर्ड से है, सारी मेरिडियन से है, और आगे के ऑर्गन जितने भी हैं वो कनेक्टेड हैं और उनका कंट्रोल जो है डीयू मेरिडियन करती है। तो हर ऑर्गन आप जानते हैं कि वो मशीन है और मशीन को चलने के लिए पावर सप्लाई चाहिए। किडनी इज ऑल्सो ए मशीन, यूरिनरी ब्लैडर इज ऑल्सो ए मशीन, मशीन लाइक इनका हार्ट है, लंग्स है, लार्ज इंटेस्टाइन, जितने भी ऑर्गन है, यहाँ तक कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी। तो मित्रों, ये यूवी के जो पैरेलल 4 आपको लाइन दिख रही है पेज नंबर 5 में, इनको मैं पावर मेरिडियन, पावर 1, पावर 2। ये जो आपको डीयू मेरिडियन के आजू बाजू है, डीयू के आजू बाजू है, वो पावर 1 यानी यूवी 11 से लेके यूवी 35 तक, और उसी के पैरेलल दोनों तरफ वो पावर 2 की मेरिडियन। यानी अगर यूवी मेरिडियन नहीं है तो जितने भी हमारे एंटीरियर पार्ट में ऑर्गन्स हैं वो क्रियाशील नहीं होंगे। कम सप्लाई होगी पावर तो कम काम करेंगे, अंडर एक्टिव कहलाता है, उसमें 0.25 करना पड़ेगा। और पूरे सारे ऑर्गन को जितने सिम्टम दिए हैं उसके लिए रिस्पेक्टिव मेरिडियन। अगर हार्ट अंडर एक्टिव है तो हार्ट की बैलेंसिंग पॉइंट को टोनिफाई करना पड़ेगा या बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। अगर हम टोनिफिकेशन और सेडेशन का निर्णय नहीं कर पाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे हम बैलेंसिंग से कवर कर लेंगे और ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो मित्रों, ये पावर, ये हमने अपने क्लासेस में कई बार लोगों को कहा है, किसी भी मेडिकल या चाइनीज सिस्टम में आपको ये नॉमेनक्लेचर नहीं दिया, हमें समझने के लिए और इसकी क्रियाशीलता को महत्व देने के लिए इसे पावर 1 एंड पावर 2 जो पैरेलल लाइंस है। पेज नंबर 6 आपने देखा कि एप्लीकेटरी मोड है। अब आप देखिए पेज नंबर 7। अब आयुर्वेद में पेज नंबर 7 को देखें, आयुर्वेदिक मेरिडियन बोथ मिडिल फिंगर, वाच जॉइंट पे यूरिनरी ब्लैडर का जो फिजिकल ऑर्गन है, और हम तो ये कहेंगे कि 67 पॉइंट्स भी उसी 10 पॉइंट्स में है, और कफ जॉइंट जो है वो दोनों लेफ्ट राइट किडनी के। अब आइए आप दोनों मिडिल फिंगर के बीच में, दोनों स्पाइनल कॉलम की, यूबी के बैक के जो स्पाइनल कॉलम के मेरिडियन है उसके बीचों बीच कौन सहनसाह है, डीयू मेरिडियन। तो देखिए इस फिंगर का, अभी उसी को दिखाएं प्लीज, मिडिल फिंगर को। तो डीयू मेरिडियन की जो है और सीवी मेरिडियन, ये बीचों बीच है और इनका रोल जो है इनके पित्त जॉइंट पे है। तो मित्रों, बोथ मिडिल फिंगर। अब मैं आदरणीय चतुर्वेदी जी को श्रद्धांजलि से पहले उनका ही केस बताना चाहूंगा, और किसी को भी अगर किसी के, देखिए किडनी फेल्योर का केस है तो बोथ मिडिल फिंगर कफ जॉइंट में बहुत से प्रोटोकॉल है, उनमें से ये भी एक प्रोटोकॉल है, 1-4-5 सीडेट, 3-6-8 टोन, 0-9 सीडेट। लेकिन यूरिनरी ब्लैडर में थिकेंड ब्लैडर है, ये अक्सर आपने देखा होगा अल्ट्रासाउंड के बाद या सीटी स्कैन, क्योंकि पेशेंट क्यों जाता है, जब उसके कंट्रोल या दवाई से
फिजिशियन के बाद दवाई, फिजिशियन कहता है भाई आपने एक महीने ट्रीटमेंट किया कोई फायदा नहीं हुआ। मालूम चला कि जब अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन कराया गया तो थिकेंड वॉल ब्लैडर है और इसका मतलब डीजनरेशन की तरफ बढ़ रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो बोथ मिडिल फिंगर वाच ज्वाइंट में 1-4-5-8-3-6-8 टोन इसको ट्रीटमेंट देने से कमर के दर्द में भी गायब होगा, पेशाब की फ्रीक्वेंसी में भी और प्रोस्टेट में भी और जितने आपने अंडर एक्टिव ओवर एक्टिव के दिए हुए हैं उन सब में इसका रिस्पॉन्स आए। आप कहेंगे इतना सरल, बिल्कुल इतना सरल। और ज्यादा आप इसकी चीजें देखना चाहते हैं तो सीएमई नियम पार्ट 1 और 2 को पढ़ना चाहिए, पढ़ना। और देखें आप ये जो पीपीटी में है पेज नंबर 8 देखिए, नेक पेन को और हाइपरटेंशन के लिए ये प्रोफेसर राम कुमार शर्मा ने आज सुबह हमारी रिसर्च मीटिंग में बात हुई और उन्होंने BM5 से बड़ा सिंपल आपके सामने 3 लगाकर हाइपरटेंशन, 3 सेडेशन दिखाए हैं और नेक पेन को कितनी आसानी से। हमारे रिसर्च सेक्शन में जो बहुत दिनों से 25 वर्षों से काम कर रहा है, उन्होंने पूरी पूरी की पूरी मेरिडियन हाथ के में को छोड़कर एक उंगली में भी प्लॉट की है जो कि पेज नंबर 9 में है। और अगर इंसेक्ट करेस्पॉन्डेंस में सर्वाइकल के लिए है तो आप देखिए पेज नंबर 9 में देखें, बड़े सिंपल ढंग से एक क्लस्टर मैग्नेट लगाकर सर्वाइकल का ट्रीटमेंट दिया गया है। और इसी तरह मिड बैक का पेज नंबर 10 पे देखिए, इसमें एक कोई भी फिंगर ले ली इसमें चुनाव किया गया है। पेज नंबर 10 मिड बैक का ट्रीटमेंट इंसेक्ट करेस्पॉन्डेंस में लेफ्ट रिंग फिंगर में 2 क्लस्टर मैग्नेट लगाकर, क्योंकि उसके पीछे बगल में क्यों दिया गया है इसका कारण दिया है कि एक रिंग में हमारे इंसेक्ट करेस्पॉन्डेंस दिया है उसके आधार पे। ये सुजोक ना होता तो ये संभव नहीं होता। और फिर देखिए पेज नंबर 11 पे, जो कमर के दर्द से लोग परेशान होते हैं उस कमर के दर्द के लिए पेज नंबर 11 में लो बैक के 2 क्लस्टर मैग्नेट लगा के, यानी पित्त ज्वाइंट से नीचे 2 क्लस्टर मैग्नेट लगा के। और अब आप देखिए पेज नंबर 13 पे, पेज नंबर 13 पे यूबी के जितने आपने बैलेंसिंग और हाइपर एक्टिव और अंडर एक्टिव के ट्रीटमेंट की बात की है वो देखिए, यूरिनरी ब्लैडर के 3 दिए हुए हैं, UV29, UV59.5 and half जिसे कहते हैं, UV63, UV64, CV3, K6 और ST36, GV34। ये 8 पॉइंट है लेफ्ट राइट एंड 8 पॉइंट या तो मेथी या स्टार मैग्नेट। और टोनिफिकेशन और अंडायरेक्टिव और आप बिल्कुल संतुष्ट हैं तो मेथी या स्टार मैग्नेट या ब्याल मैग्नेट से कर सकते हैं। लेकिन सबसे सेफ और महत्वपूर्ण जो है, चाहे हाइपर एक्टिव हो चाहे जनरल सिम्टम्स हो चाहे डायरेक्टिव हो, सब में आपको बैलेंसिंग पॉइंट का ट्रीटमेंट अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। आज हम लोग अपनी चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं और ये आपको एक बार और सिलेक्शन ऑफ दी पेज नंबर 14 दिखा दीजिए। 14 कि बैलेंसिंग पॉइंट्स ऑफ यूवी किडनी एंड स्टमक हैव बीन सिलेक्टेड, किडनी एंड स्टमक इज सब्जुगेटर कंट्रोलर एंड एंटी सब्जुगेटर ऑफ ईच अदर अकॉर्डिंग, क्यों लिया गया है ये दिया गया है। टोनिफिकेशन में यूरिनरी ब्लैडर का मदर ऑर्गन लार्ज इंटेस्टाइन है इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन के पॉइंट सेलेक्ट हुए हैं। यूरिनरी ब्लैडर इज रिलेटेड टू लार्ज इंटेस्टाइन अकॉर्डिंग टू टोनिफिकेशन और मदर साइकिल, द टोनिफिकेशन ऑफ द एनर्जी डेफिशिएंट ऑर्गन मदर ऑर्गन विल बी ट्रीटेड, ट्रीटाइज टू पेज 55। और सेडेशन का जो रैशनल दिया गया है क्यों चूज किया गया है,
points of urinary bladder and gallbladder have been selected. UB is related to gallbladder is the third point. According to sedation or sun cycle, the sedation of the energy of the excess organ, sun organ, will be treated. Last page number 15. ये क्यों किया गया है, ये बार बार हम आपको दिखाएंगे कि फाइव एलिमेंट क्रिएशन और कंट्रोल साइकिल है. यूबी को यानी यांग ऑर्गन है, तो यांग ऑर्गन को देखिए, यांग ऑर्गन जो है कौन क्या करता है इसको देखने की. यूबी को स्टमक कंट्रोल करता है, और यूवी किसको कंट्रोल करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को. इस प्रकार से ये, और आप देखिए मदर ऑर्गन कौन है, एलआई है, और सन क्या है, जीबी है. इन सब का महत्व आपको जो है इन पॉइंट्स में दिया गया है. आज इन्हीं शब्दों के साथ आपको आभार व्यक्त करते हुए आपसे दो मिनट मौन रहने के लिए मैं हैंड ओवर करता हूँ माइक. अनिल जी को आगे की कार्यवाही को टेकअप करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के इस क्लास के लिए. और जैसा श्री एन के चतुर्वेदी जी, देहावसान आज उनका हुआ है और लंबे समय से संस्थान से जुड़े रहे, उनके आत्मा के शांति के लिए हम लोग दो मिनट मौन रखेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का. और आज की क्लास यहीं समाप्त होती है और 3 अप्रैल से करेस्पॉन्डेंस कोर्सेज की क्लासेस प्रारंभ होने जा रही है. और आपके जिनके भी एडमिशंस हैं वो अपनी पुस्तकें कोऑर्डिनेटर से प्राप्त कर लें, और जिनके एडमिशंस रह गए हों वह कोऑर्डिनेटर से मिल करके या प्रयागराज संस्थान से एडमिशन लेकर के इस क्लास में ज्वाइन हों. और यह क्लास 3 अप्रैल से प्रारंभ होकर के 2 मई तक चलेगी. 5 शनि रवि में यह क्लास कंप्लीट होगी, सैटरडे संडे. तो आप सभी जुड़े, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार.